हेलो गाइस, हाय, माय सेल्फ डी जिंकीनाथ एंड यू आर वाचिंग द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथा सो गाइज, आज मैं ऐसे नॉर्मल ब्लॉग है, एक बहुत ही बढ़िया होगा या फिर अच्छा होगा या खराब होगा मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि गुवाहाटी में अभी कैसा परिस्थिति चल रही है। और सबसे दुख की बात तो यह है कि मेरे घर में, घर के अंदर नहीं, मेरे घर के रास्ते पे पूरा पानी जम चुका है। तो इसीलिए मुझे बाइक या कोई भी गाड़ी निकालने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो चलिए एक झलक वो भी देख लीजिए और बाकी रोड पे भी देख लीजिए। अभी तो बारिश नहीं है, फिर भी बहुत कठिनाई से गुजर रहे हैं हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि COVID-19 से हम लोग जूझ ही रहे थे और ऊपर से असम में इतना भयंकर, इतनी बुरी तरह से बाढ़ हो गई है कि छत तक पानी आ गई है। तो इसीलिए अपर असम और लोअर असम बहुत बुरी तरह से झेल रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ज़मीन अभी भी नदी में ठह गई है, घर भी ठह गई है। ये बहुत ही बुरी बात है और ख़तरनाक भी है। सो इसीलिए मैं आप सभी को बहुत चौकन्ना रहने की गुजारिश करता हूँ और हो सके तो उन मजबूरों को हेल्प ज़रूर करिएगा, जितना हो सके आप लोग करिए। और सिर्फ असम में अभी हो रहे हैं, शायद बहुत सारे जगह में भी ऐसे बाढ़ का प्रॉब्लम हो रहे हैं। और कोरोना भी तो अभी 1000 क्रॉस करने वाले में लोग खुद सोच सकते हैं कि कोरोना और फ्लड, बाढ़ बहुत मुश्किल हो गई है। ये बहुत बुरी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। अभी चारों तरफ से एनवायरनमेंट जो है, प्रकृति ने हम लोगों को बहुत बुरी तरह से एक मात दिया है, उसमें संभलने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा सबको। और ऊपर से हम लोग का जो इकोनॉमी है बहुत डाउन हो चुका है। अभी भी लॉकडाउन चल रहा है मगर लॉकडाउन के बीच में भी सब कुछ खोल के रखा है, खुला दिया है, क्योंकि नहीं देने से हम लोग का इकोनॉमी जो है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो पुअर फैमिली है, कोई भी चल नहीं पाएगा, सब अगर बंद पड़ा रहेगा। और सबसे ख़तरनाक हालत होने वाले हैं अभी जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर उन लोगों का सब कुछ, रोजी रोटी अगर बंद पड़ेगा तो डेफिनेटली एक ना एक दिन सबको बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। तो गाइज, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो। वीडियो आज इतना ही था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय एट होम, बाय बाय।